नमस्कार, मैं प्रीति श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आई हूँ 2017 के लिए आपकी राशि का क्या योग होगा। हम सभी जानते हैं नया साल आने वाला है और नए साल में आपकी राशि में क्या प्रॉफिट होंगे और क्या नुकसान होंगे, जानिए इस वीडियो के दौरान। आज बता रही हूँ मैं आपको मेष राशि के बारे में। जिसकी भी राशि मेष है तो वह व्यक्ति यदि व्यवसाय या नौकरी के पीछे लगे हुए हैं या फिर नौकरी प्राप्त करने की कोशिशों में लगे हुए हैं तो ये साल उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि ये साल उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी और उनके व्यवसाय में भी प्रॉफिट होगा। लेकिन थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती ही हैं, आप उन समस्याओं को थोड़ा सा साइड में रखें और अपने काम को करते जाएं। ऐसा करने से आपके नया साल कुछ ज़्यादा ही खुशहाली से भरा होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपकी समस्याएं सारी परेशानियां दूर हो जाए तो उसके लिए आप थोड़ी कोशिश ये करें कि आप अपनी नौकरी या फिर जिस चीज़ में आप काम करने के लिए तैयार हैं उसे पहले अपने आप से पूरी तरह से तैयार कर लें, फिर उसे अपनी नौकरी में उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। ऐसा करने से आप उस कार्य को जल्दी ही संभव कर पाएंगे। अक्सर देखा जाता है कि हम कार्य तो करते हैं लेकिन कार्य करने के बाद भी हमें वह सफल परिणाम नहीं मिलते हैं जो हम चाहते हैं। अक्सर देखा जाता है मेहनत करने के बाद भी आपको कोई सफल परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन आपका यह साल में आप जितनी भी कोशिशें करेंगे, कोशिश करने के बाद जो भी परिणाम निकलेंगे वह आपको नेक्स्ट ईयर ही मिल सकते हैं। यह साल आपकी मेहनत का है और इस साल में यदि आप मेहनत कर लेते हैं तो आपका आने वाला साल और आपकी आने वाली जिंदगी और भी ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका आने वाला साल अच्छा रहे और आप खुशी भरा रहे तो उसके लिए आप अपने घर में छोटी मोटी चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दें। आप अपने घर में कबाड़ा कूड़ा बिल्कुल ना रखें। नए साल आने से पहले ही अपने घर की साफ सफाई ज़रूर कर लें ताकि आपकी आर्थिक स्थिति भी बनी रहे और आर्थिक स्थिति आपकी सुधर जाए। अक्सर देखा जाता है कि आपकी आर्थिक स्थिति में कोई ना कोई परेशानी हो जाती है, लेकिन इस साल में आपको आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी और आप जो भी चाहते हैं आपको उसके जल्दी ही परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सूझबूझ से काम करें। अक्सर देखा जाता है जब भी आपके पास धन हो जाए और धन के बाद आपकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बुद्धि हमेशा सूझबूझ से कार्य करे और आपके जीवन में कोई भी परेशानी ना आए और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक रहे तो उसके लिए आप अपनी सूझबूझ से ही कार्य करें। नौकरी पेशेवर व्यक्ति भी अपनी नौकरी पर थोड़ा ध्यान दें। अपने जो मालिक हैं या फिर आपके ऑफिस के मेन कर्ता धर्ता हैं उनके साथ ज़्यादा उलझे ना, अपने काम से मतलब रखें और उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा वर्क ना करें। ऐसा करने से आपकी इस साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। माना जाता है यदि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए सबसे अच्छा माना जाएगा ये साल। यदि आप किसी तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी के लिए आप पेपर दिए हुए हैं और आपने सितंबर के आसपास तक एग्जाम दिए हैं तो वह आपको अच्छा फल देने वाले हैं, क्योंकि इस साल आपकी कहीं ना कहीं नौकरी की व्यवस्था जरूर हो जाएगी और आपको जल्द ही कोई नौकरी मिल जाएगी जो आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगी। और यदि आप अपने मित्रों से चाहते हैं कि आपके मित्र हमेशा आपके साथ रहें, कोई भी परेशानी ना रहे आपके मित्रों के साथ, तो हमेशा प्रेम पूर्वक संबंध बनाए रखें और अपने दोस्तों से ज़्यादा बहसबाजी ना करें, क्योंकि यदि आप थोड़ी सी बहसबाजी करेंगे तो उससे आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। इस साल आपको सटीक उपाय बनाएं और अपने काम को सही से करें। ऐसा करने से आपके आने वाला साल कुछ अच्छा जाएगा और नए साल में आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं। क्या पता आपकी मैरिज लाइफ भी इसी साल से शुरू हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों की शादी नहीं हुई है या फिर शादी की चहत में लगे हुए हैं या फिर शादी की तैयारी कर रहे हैं तो ये साल उनके लिए सबसे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इस साल जिन लोगों की शादी नहीं भी हुई है तो इस साल में उनकी शादी जल्दी ही हो जाएगी और आपके जीवन में नई खुशियां जरूर आएंगी। तो यह साल आपका बहुत अच्छा है, तो आप कोशिश करें इस साल में अपने काम को अच्छे से करने की, क्योंकि यह साल आपको जिंदगी में और भी खुशियां लेकर आएगा और आपकी जिंदगी में शुभ अवसर लाने के लिए थोड़े प्रयत्न तो आपको भी करने।
करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रयत्न नहीं करेंगे तो उससे आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो इस साल को अच्छा बनाने के लिए शुरुआत पहले आप करें, जिससे कि आपका ये साल अच्छा जाए। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।